और वो क्यों जानती थी? क्योंकि इनकी स्त्रियां शहर में सामान लेने आती हैं, भील नहीं आते कभी, उनको पुलिस के पकड़ने का डर होता है। तो उसने कभी देखे थे शहर में ये भैया साधु होते हैं ऐसे, ये लगाते हैं ऐसा है, उसने साधु देखे थे। उसने कहा अरे जुल्म हो जाए अगर इसने ये काम कर दिया, बाण छोड़ दिया और साधु की हत्या कर दी, बहुत बड़ा पाप होगा। पाप तो करते ही हम, पर इससे बड़ा पाप और क्या होगा। वह द्रुत गति से चली और उसे जोर से आवाज दी, ठहरो ठहरो, और गई। उसने जाते ही भील का हाथ पकड़ा, क्या कर रही है ये, ठहरो मेरी बात सुनो, तूने मेरा निशाना खो दिया, एक तरफ हट। वो बोले बात सुन बात सुन। उसने क्या बात है? बोले जिसका तू निशाना बना रहा ना, इससे जीवित से कुछ मिलेगा, अगर ये मर गया कुछ नहीं मिलेगा इसके पास से। और दिखता ना तुझे कितना माल ले रहा है ये? बोले यही बता रहे, कुछ नहीं इसके पास, कुछ नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो जीवित से मिलेगा। साधु इधर नजदीक आ गया, उसने कहा ले खो दिया तूने मेरा शिकार। बोले नहीं। उसने महिला ने हाथ जोड़े साधु को, साधु ने अपना आशीर्वाद दिया। वो देखता रहा तेरी क्या जान पहचान है? बोले मैं शहर जाती हूँ ना, वहां ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं, ये साधु होते हैं, इनके पास कोई माया नहीं होती, धन नहीं होता, अगर कुछ लेना है तो इनकी बात सुन। और वो बोली साधु से, महाराज इनको कुछ उपदेश दे। साधु ने उपदेश दिया और उसके मन को छू गया, और छू गया, ऐसा छू गया कि साधु ने कहा आज के बाद कभी शिकार नहीं करोगे और आज के बाद मांस भक्षण नहीं करोगे। उसने स्वीकार कर लिया और बंध हुआ, साधु अपने मार्ग पर चले गए। लेकिन इसको ऐसा रास्ता दिखा गए, ऐसा रास्ता दिखा गए जिससे जीव का कल्याण हुआ। दोनों ही जो मैंने कथाएं कही, इन दोनों में ये जो नायक है, चाहे वो नए सार है चाहे वो पूर्व है, ये दोनों महावीर के पूर्व भव हैं। और एक बार प्रेम के साथ बोलो, बोलो भगवान महावीर स्वामी के। इधर की जो कथा वो नए सार की कथा है, और पूर्व की जो कथा है वो दूसरी आमनाय की कथा है। दोनों रोचक हैं, दोनों अद्भुत हैं, दोनों में ही संतों के दर्शन की महिमा है। दोनों के अंदर बताया गया कि साधु के दर्शन से, उसकी बात सुनने से कितना लाभ होता है, दोनों के अंदर ये कहा गया है। चलो नए सार की बात पर आते हैं। जीवन है, नदियां बहती रहती और जीवन चलता रहता है। नदियां तो बहती रहती हैं, पर एक समय आता है जहां जीवन विराम ले लेता है। नए सार का जीवन यूं एक समय आया जब उसने विराम ले लिया, जीवन पूर्ण हो गया। लेकिन उसने एक प्रतिज्ञा पूरे जीवन भर निभाई, उसने हरे वृक्ष नहीं काटे, संतों की बात को उसने पूरी तरह से निभाया और मन के अंदर उसके इस बात की प्रसन्नता भी रही कि संत मिले थे, उन्होंने मुझे कहा था और फिर मैंने उनके अनुसार किया, जीवन पूर्ण हो गया। जीवन पूर्ण हो गया, अब इसको थोड़ा सा समझें। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा तो मरती नहीं है, बस जिसको मृत्यु कहते हैं वह देह और आत्मा का अलग हो जाना है। देह तो फिर यहाँ निर्जीव मिट्टी के रूप में कहो जैसे भी पड़ा रह जाता है, संसार में जो भी रीति रिवाज अनुसार इसका सब संस्कार किया जाता है। आत्मा आत्मा कर्मानुसार यह है, जैसा उसने कर्म किया है, जैसी गति बांधी है, उसके अनुसार अग्रिम गति को चला जाता है। नए सार का जीव उसकी आत्मा
सौ धर्म देवलोक में जाकर उत्पन्न हुई इस एक प्रतिज्ञा से। यह जो उसने जीवन में नियम लिया था, संतों की आज्ञा शिक्षा मानी थी और उसके ऊपर चला था, उसके परिणाम स्वरूप वह मर करके प्रथम देवलोक में वहां जाकर के उसका जन्म हुआ। अब देवलोकों की तो चर्चा इसमें क्या करेंगे, देवलोक तो देवलोक है, वहां के सुख वैभव वहां की बातें वो तो सब अपने अपने स्थान के ऊपर पुस्तकों में हम पढ़ते हैं सुनते हैं, सब सुख वैभव ऐश्वर्य सब सब वहां पर होते हैं। आयु भी बड़ी लंबी होती है देवलोकों की, आयु नरक की भी लंबी होती है, पर यहाँ तो देवलोक की बात है, आयु बहुत लंबी होती है, पर कितने भी लंबी हो एक दिन तो आयु पूर्ण होती ही है। वहां वह स्वर्गीय सुखों का अनुभव करता रहा, भोगता रहा, अपना जीवन व्यतीत करता रहा। अब आते हैं इस चर्चा में इस धरा के ऊपर। उस समय यहां इस धरा पर तीसरा आ रहा अंतिम स्थिति में चल रहा था और प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का जन्म हो चुका था और वे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव उन्होंने संसार को असीम असी कृषि का ज्ञान दिया था, जीवन जीने की विधि बताई थी, ये सब उन्होंने ज्ञान देने के बाद में और फिर जो भी उनका जीवन था परिचित है, क्योंकि पूरी चर्चा तो ऋषभदेव की किस तरह से करेंगे, इतना ही है यह है कि उन्होंने फिर बंध वो संसार को छोड़ करके दीक्षा ले ली थी, साधना की थी और फिर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था। प्रथम तीर्थंकर याद करो थोड़ा सा, प्रथम तीर्थंकर की महिमा, उनकी अद्भुतता नाग पुराण के अंदर लिखा हुआ है, जो वैदिक धर्म का ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है। एक व्यक्ति बंधुओं और बहनों, किसी को श्लोक चाहिए तो मैं दे सकता हूं जो नाग पुराण के अंदर आया है, उसके अंदर लिखा हुआ है एक आदमी 68 तीर्थों की यात्रा करे। कितने? 68 तीर्थों के यात्रा करे और एक व्यक्ति एक बार ऋषभदेव को नमन कर ले, उसका पुण्य यानी ऋषभदेव को नमन करने का पुण्य उस तीर्थ यात्रा से कहीं ज्यादा हो। यह वैदिक पुराण का श्लोक है जिसका मैंने भाव आपको बताया है, इतनी बड़ी महिमा है भगवान ऋषभ। वे महाप्रभु केवल ज्ञान केवल दर्शन से जो युक्त है, वे इस धरा के ऊपर विचरण कर रहे थे और कहूं ज्ञान का वह सूर्य पांव पांव चलता हुआ ज्ञान का प्रकाश बांट रहा था। यह सूर्य तो आता है प्रकाश बखेरता है, शाम को फिर उसका अभाव हो जाता है। केवल ज्ञान का वह सूर्य बंध गो, वहां दिन और रात सब समान थे, वे तो अपना ज्ञान का प्रकाश बांटते ही रहते थे। ऐसे महाप्रभु भगवान ऋषभदेव उनको वंदन और नमन करते। थोड़ा सा उनके संसार पक्ष की ओर, प्रभु के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थे संसार पक्ष में, उनमें से सबसे बड़े भरत थे। भरत ने राज
राज्य का विस्तार किया था और वे चक्रवर्ती हो गए थे। धरा पर उनका शासन चल रहा था। उस समय कैसा था? एक धर्म जगत का चक्रवर्ती, चक्रवर्ती नाम, चक्रवर्ती शब्द आया उनके लिए। एक और धर्म चक्रवर्ती और एक और संसार का चक्रवर्ती भरत। उस समय में ये दो इस धरा के ऊपर यूं विराजमान थे। महाराज भरत बैठे हुए थे। एक सूचना मिली। सूचना क्या मिली? पुत्र का जन्म हुआ है। मालूम है महारानी ने पुत्र को जन्म दिया। संसार का भाव है, खुशी मनाई गई। जो भी कुछ दान दक्षिणाएं देनी थी दी गई और भी हर्ष मनाए गए। उस नवजात शिशु के उत्सव भी किए गए। नवजात शिशु के नामकरण के बारे सारा परिवार एकत्र हुआ। विद्वान भी बुलाए गए सब, और जो भी लोग थे, राज्य पदाधिकारी, रिश्तेदार जो भी थे, वो सब आए थे। सब मिलकर बैठे थे और वह शिशु महाराज भरत के गोदी में दे दिया गया था। और वो उस अपने नन्हे को ऐसे ली हुए बात चल रही थी, क्या नाम रखा जाए शिशु का। ये बात सबके सामने थी, विद्वानों के सामने भी, परिवारजनों के सामने भी। अपने अपने विचार सब कह भी रहे थे, इसका नाम ये रख लो। कोई राशि से कह रहा था, कोई अपनी तरह से कह रहा था। महाराज भरत बालक को बार बार देखे जा रहे थे और बड़ा सुकून है, बहुत ही सुकुमार है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सलोना है, प्रशंसा कर रहे थे उसके ऐसे। और नाम की चर्चा सबके बीच थी, क्या नाम रखा जाए। महाराज बोले, भरत एक बात मेरी भी सुनो। महाराज की बात तो सब भी सब सुनेंगे। हाँ ये फरमाओ, करो कृपा, बताओ। बोले मेरी समझ में एक बात आती है, यह जो बालक है यह भगवान ऋषभदेव का पौत्र है। यह भगवान ऋषभदेव का पौत्र है। देखो पीढ़ी की दृष्टि से भी उनका है। और क्या नाम रखे? बड़ा सुंदर सलोना सुकुमार है यह बालक, क्या नाम रखे? मैं तो ये समझता हूं, महाराज भरत ने कहा, मैं तो ये समझता हूं भगवान ऋषभदेव जगत के सूर्य हैं और यह उनकी एक किरण है। क्या कहा? यह उनकी एक किरण है। अगर दोनों दृष्टियों से देखो, उनकी किरण है, उनका संसार दृष्टि से बहुत लगता है, उनकी एक किरण है। इसका नाम मरीची रख दो। क्या नाम रख दो? मरीची किरण का नाम होता है। जो किरण है इसके कईये का नाम है, अंशु भी किरण का नाम है, मरीची भी किरण का नाम है। इसका नाम मरीची रख दो, क्योंकि ये भगवान ऋषभदेव जो जगत के सूर्य हैं, उनकी एक किरण है। बिल्कुल ठीक बात है और सबने समर्थन किया, एकदम ठीक है, ये उनकी किरण है। जब जब इसका नाम लेंगे तो प्रभु का भी स्मरण होगा इस बहाने से। इसका नाम यही ठीक है, मरीचे मरीचे, इसका नाम मरीचे होना चाहिए। उस बालक का नाम मरीचे रख दिया। मरीचे बीच में कहां से आ गया? बंधुओं अब जोड़ लें इस बात को, इन तारों को, वह इस रूप में जोड़ेंगे और ऐसे करेंगे कि वह जो नए सार की आत्मा, नए सार का जीव प्रथम देवलोक में जाकर उत्पन्न हुआ था, वहां की आयुष पूर्ण करके, वहां से च्वे करके, वह जीव, वह आत्मा यहाँ
मरीचि के रूप में आकर उत्पन्न हुआ है। यह उसका तीसरा भाव है। यहां आकर के उसने इस तरह से जन्म लिया है। यूं इस आत्मा की यात्रा ऐसी चल रही है। बंधु मरीचि का लालन पालन हुआ, बड़ा हुआ, शिक्षा भी दी गई, बड़ा हुआ, युवा हो गया। मरीचि युवा हो गया। युवा होने के बाद उसकी शोभा, उसका शरीर सौष्ठव सौंदर्य अद्भुत बिखर रहा था। सब उसको देखा करते थे, मरीचि कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा लगता है, उसकी चर्चा रहती थी। एक दिन यानी एक बार भगवान ऋषभदेव का अयोध्या पदार्पण हुआ। ये इनकी राजधानी थी अयोध्या। महाराज भरत की राजधानी थी, वहां पदार्पण हुआ। प्रभु का आगमन हुआ, बड़ी खुशी हुई, सूचनाएं सब दी गई, सब हुआ। और फिर प्रभु की देशना सुनने के लिए सब लोग जाते हैं, पहुंचते हैं वहां पर। सब लोग गए, मरीचि ने देखा सब जा रहे हैं, पूछा कि ये सब के सब भगवान के दर्शन को जा रहे हैं। मरीचि भी गया, मरीचि भी जाकर बैठा धर्म सभा में, और सब बैठे हुए थे। उसने भी देशना सुनी। देशना सुनने के बाद उसके मन के अंदर बड़ा विचार जागरण हुआ, ऊहापोह हुआ। भगवान की वाणी सुन करके उसके भीतर में चिंतन जगा और वह सोचने लगा, देखो इन्होंने सब छोड़ करके और ये संयम लिया।